अंतरिक्ष, अनंत रहस्य, और इन रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य एरेबस, एक खोया हुआ ग्रह, किंवदंतियों में लिपटा हुआ। कुछ कहते थे ये स्वर्ग है, कुछ कहते थे ये साम्राज्यों का कब्रिस्तान है। सच्चाई किसी को नहीं पता थी। एरेबस बना रहा मायावी, सदियां बीतती गईं, स्टारशिप्स आम हो गए, इंसानों ने आकाशगंगा के किनारों को छू लिया, लेकिन एरेबस फिर भी न मिला। भूले हुए स्टार चार्ट्स में उसका नाम बस फुसफुसाहट बनकर रह गया। क्या वो बस एक कहानी थी, स्पेसफेरर्स के लिए एक सपना, या उसमें कोई सच्चाई थी जो हमारी सोच से भी परे है? आकाशगंगा इंतजार कर रही थी उस दिन का जब एरेबस खुद को दुनिया के सामने लाएगा। कैप्टन मीरा कैलहन खुद एक किंवदंती, इंटरस्टेलर एक्सप्लोरर्स में उनका नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। उनकी हिम्मत, उनकी तेज दिमाग और अनजान को जानने की प्यास। एक दिन एक भूले हुए आउटपोस्ट के आर्काइव्स में उन्हें वो मिल गया, एक पुराना स्टार चार्ट। उसका पार्चमेंट घिसा हुआ, उसके निशान धुंधले, लेकिन उसका संदेश साफ। वो एरेबस की बात कर रहा था, कहानियों में नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट्स में, स्टार अलाइनमेंट्स में जो सदियों पहले खो चुके थे। एरेबस, ये असली है और मुझे मिल गया है इसे ढूंढने का रास्ता। दुनिया भले ही भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूली। मैं एरेबस को दुनिया के सामने लाऊंगी। एरेबस को ढूंढना आसान नहीं था। इसके लिए ऐसे लोगों की जरूरत थी जो अपने आप में माहिर हो, जिनके अंदर अनजान को जानने की प्यास हो। मीरा ने अपनी टीम खुद चुनी, डॉक्टर एरिस थॉर्न, ज़ेनो आर्कियोलॉजिस्ट। उन्हें पुरानी सभ्यताओं का बेजोड़ ज्ञान था। उनकी आंखें अतीत की खिड़कियां। फिर आई जिया ली, नेविगेटर। हाइपरस्पेस की अराजक धाराओं में उनका कोई मुकाबला नहीं था। बस एक फुसफुसाहट और उन्हें रास्ता मिल जाता था। बस एक फुसफुसाहट और कुछ नहीं चाहिए। और आखिर में जैक्स, इंजीनियर, विशालकाय शरीर लेकिन दिल एकदम सच्चा। उनके हाथों में जादू था, वो किसी भी टूटी हुई मशीन में जान फूंक सकते थे। मेरे लिए कोई भी मशीन इतनी टूटी हुई नहीं है कि मैं उसे ठीक न कर सकूं। एक साथ वो एक ताकत थे, एक ही महत्वाकांक्षा से बंधे हुए, और अनजान का आकर्षण जो उन्हें एरेबस की तरफ खींच रहा था, उनका स्पेसशिप बेसब्री से गूंज रहा था, अंधेरे में डुबकी लगाने के लिए तैयार, और जो भी उनका इंतजार कर रहा था उसका सामना करने के लिए। चिम्बुडकी, उनका सफर खतरों से भरा था। स्टार चार्ट ने उन्हें वेल ऑफ शैडोज तक पहुंचाया, एक नेबुला जो अपने अप्रत्याशित ग्रेविटेशनल करंट्स के लिए जाना जाता था, और उससे भी अजीब थीं फुसफुसाहटें, फुसफुसाहटें जो दिमाग से खेलती थीं। जिया, उनकी भौहें एकाग्रता में सिकुड़ी हुईं, उन्होंने अद्भुत कुशलता से उन खतरनाक धाराओं को पार किया। शांत रहो, बस थोड़ा और। जैक्स, क्लैंक्स और वर्स की एक सिंफनी, उन्होंने अपने स्पेसशिप को ग्रेविटेशनल टाइड से फटने से बचाया। हिम्मत रखो मेरी प्यारी, हम कर लेंगे। दिन हफ्तों में बदलते गए, फुसफुसाहटें तेज होती गईं, उनके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रही थी, उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ने की, लेकिन मीरा डटी रही, उनका दृढ़ संकल्प अंधेरे में एक किरण की तरह। हम पीछे नहीं हटेंगे, अब तो एरेबस इतने करीब है। वो पीछे नहीं हटेंगे, अब तो एरेबस इतने करीब था। और फिर वो दिखा, वेल ऑफ शैडोज के घूमते हुए तूफान से निकलकर। एरेबस उनकी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत, दो सूरज ग्रह को एक अलौकिक चमक दे रहे थे। उसके महाद्वीप एमरल्ड ग्रीन और सैफायर ब्लू रंग के थे। ऊंचे पहाड़ों से झरने गिर रहे थे। हमारा सफर पूरा हुआ, हमने एरेबस ढूंढ लिया। ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत है। सबके ऊपर राहत की लहर दौड़ गई। उन्होंने अनजान का सामना किया था और विजयी हुए थे। जैसे ही उन्होंने ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश किया, उन पर विस्मय छा गया। यह कोई साधारण ग्रह नहीं था, यह एक मास्टरपीस था, ब्रह्मांड की असीम सुंदरता का प्रमाण। लेकिन उसकी सुंदरता में भी एक अजीब सी खामोशी थी, एक सन्नाटा जो बहरा कर देने वाला था।
फुसफुसाहटें बंद हो गई थी। उनकी जगह एक अजीब सी शांति थी। उन्हें एरेबस मिल गया था, लेकिन उसकी सतह पर उनका क्या इंतजार था? एरेबस ने उनका खुले हाथों से स्वागत किया। हरे भरे जंगल जीवन से भरपूर थे। अजीब लेकिन खूबसूरत जीव आजादी से घूम रहे थे। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी, लेकिन इस बेजान सुंदरता के बीच उन्हें खंडहर मिले, एक ऐसी सभ्यता के अवशेष जो बहुत विकसित थी। ढहते हुए शहर वनस्पतियों से ढके हुए खामोश प्रहरी एक शानदार अतीत की कहानियां सुना रहे थे। ये खंडहर, ये अविश्वसनीय है, इन्हें किसने बनाया होगा? ग्रह के केंद्र में उन्हें वो मिला, एक मंदिर। उसकी वास्तुकला ऐसी थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें एक ऐसी ऊर्जा थी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंप कपी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे वो जिंदा हो, प्राचीन, जैसे सदियों से उनका इंतजार कर रहा हो। वे अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की गूंज विशाल हॉल में गूंज रही थी। हवा भारी होती गई, उम्मीदों से भरी हुई। वह मंदिर सिर्फ एक इमारत नहीं था, यह एक लाइब्रेरी था, ज्ञान का भंडार। और उसके हृदय में उन्हें लगा एरेबस के सबसे बड़े रहस्य का जवाब छिपा है। मंदिर के हृदय में उन्हें वो मिला, शुद्ध ऊर्जा से बना एक प्राणी। उसका रूप बदल रहा था, एक नेबुला की तरह। यह एरेबस का संरक्षक था, उसके रहस्यों का रक्षक। तुम यहां ज्ञान की तलाश में आए हो, लेकिन ज्ञान की एक कीमत होती है, उसने कहा। उसकी आवाज उनके दिमाग में गूंज रही थी। उसने उन्हें एक ऐसी सभ्यता के बारे में बताया जो सितारों तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने ऐसी तकनीक हासिल कर ली थी जो इंसानों की समझ से परे थी। उन्होंने अमृता हासिल कर ली थी, लेकिन ताकत की उनकी खोज का एक नतीजा हुआ। उन्होंने अपनी दुनिया को खत्म कर दिया था, उसकी जीवन शक्ति को खत्म कर दिया था। एरेबस, क्या ये जिंदा है? हाँ, एरेबस बस एक ग्रह नहीं है, यह एक जीवित प्राणी है और यह मर रहा है। उस सभ्यता को अपनी गलती का एहसास बहुत देर से हुआ। प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने अपनी बची हुई ऊर्जा ग्रह में डाल दी, उसे ठीक करने के लिए, उसे फिर से जीने का मौका देने के लिए। तुम यहाँ ज्ञान की तलाश में आए हो, लेकिन ज्ञान की एक कीमत होती है। क्या तुम अतीत की गलतियों को दोहराओगे या तुम एक अलग रास्ता चुनोगे? उसने उनके सामने एक चुनाव रखा। वे रुक सकते थे, उन प्राचीन लोगों के रहस्यों को जान सकते थे, लेकिन ऐसा करने से वे एरेबस के भाग्य को खतरे में डालेंगे। उनकी उपस्थिति ही ग्रह के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकती थी। या वे जा सकते थे, एरेबस के स्थान को गुप्त रख सकते थे और उसे ठीक होने दे सकते थे। पूरी आकाश गंगा का भार हमारे कंधों पर है, जवाब आसान लगता है। यहाँ से चले जाओ, एरेबस को ठीक होने दो। लेकिन क्या हम ऐसे ही चले जाएं? ज्ञान का आकर्षण बहुत शक्तिशाली था, एक ऐसी सभ्यता के रहस्य जिसने अमरता हासिल कर ली थी। क्या वे ऐसे ही चले जा सकते थे?